Bismillahirrahmanirrahim. In the last three lectures, we discussed non conventional monetary policy tools. And then in this lecture, we will discuss the last one that is the last non conventional monetary policy tool and it is negative interest rate on reserves. First of all,

कि सेंट्रल बैंक की यह पॉलिसी है या यह टारगेट है कि बजाय इसके कि कमर्शियल बैंक उसके पास एक्सेस रिजर्व होल्ड करें कमर्शियल बैंक मार्केट में लेंड करें यानी कि कर्ज दें उससे फायदा क्या होगा उसका फायदा यह होगा कि कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट की एक्टिविटीज बढ़ेंगी और उन एक्टिविटीज के बढ़ने से जो मार्केट में है वो बिजनेस एक्टिविटी फैलेगी तो चूंकि ये लो इकोनॉमिक एक्टिविटी के वक्त यूज होने वाला इंस्ट्रूमेंट या टूल है इसका मतलब यह है कि यह इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है अब यह टूल जो है यह मुख्तलिफ सेंट्रल बैंक्स ने यूज किया यह एक बात याद रखें कि यह कोई रूटीन का टूल नहीं है जो बहुत सेंट्रल बैंक और हर वक्त यूज करते हैं नहीं ऐसी दुनिया में कम एग्जाम्पल्स मिलती हैं कि कुछ सेंट्रल बैंक्स ने कुछ खास वक्त पे यह टूल यूज किया जिसकी एग्जाम्पल्स ये हैं कि सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन ने यह टूल टू थाउजेंड नाइन में यूज किया सेंट्रल बैंक ऑफ डेनमार्क ने ये टूल जो है वो जुलाई 2012 में यूज किया जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है उसने ये जून 2014 में यूज किया द सेंट्रल बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड जो है उसने दिसंबर 2014 में यूज किया और बैंक ऑफ जापान जो है उसने ये टूल जनवरी 2016 में यूज किया तो ये चंद एग्जाम्पल्स हैं दुनिया में ये टूल यूज किया गया अब सवाल पैदा होगा कि जिन कंट्रीज ने ये टूल यूज किया ये चूंकि नॉन कन्वेंशनल है गैर रिवायती है ये आम टूल यूज नहीं होता तो हमें इसमें इंटरेस्ट होगा कि हम ये देखें कि ये कितना सक्सेसफुल रहा तो याद रखें कि ये टूल लॉजिकली समझ आता है कि अगर मार्केट में लैंडिंग बढ़ानी है तो सेंट्रल बैंक ये टूल यूज कर ले कि कमर्शियल बैंक के एक्सेस रिजर्व्स पे उनके बेसिकली पेनल्टी डाले ताकि वो एक्सेस रिजर्व्स ना होल्ड करें और मार्केट में लेंड करें होगी तो बिजनेस एक्टिविटी चलेगी लेकिन अब इसके कुछ और हमें डाउन साइड भी देखनी है और वो ये है कि हम ये पॉलिसी हमेशा कामयाब नहीं होती सक्सेसफुल नहीं होती कैसे नहीं होती फॉर एग्जाम्पल अगर जो है वो कमर्शियल बैंक्स के ऊपर पेनल्टी डाली जाए कि वो सेंट्रल बैंक के पास एक्सेस रिजर्व्स ना होल्ड करें तो रिजर्व तो कमर्शियल बैंक नहीं होल्ड करेंगे क्योंकि उसके ऊपर पेनल्टी है लेकिन बजाय मार्केट में लैंड करने के वो अपनी वॉल्ट कैश बढ़ा देंगे ये हमने पहले एक लेक्चर में पढ़ा था कि कमर्शियल बैंक के पास वॉल्ट कैश होती है जो बेसिकली वो डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए अपने पास रखते हैं तो वो वो कैश होल्डिंग बढ़ा देंगे बजाय इसके कि लैंडिंग बढ़े अब सवाल ये है कि कमर्शियल बैंक जब रिजर्व नहीं होल्ड कर रहे तो कैश क्यों होल्ड करना चाहते हैं लैंडिंग की बजाय उसकी वजह यह है कि ये प्रॉब्लम ही तब आता है जब मार्केट में बिजनेस एक्टिविटी बहुत ही कम हो इसका मतलब है जब बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है तो पता है कि ज्यादातर जो जो इन्वेस्टर हैं हैं लोन ले रहे बैंक से वो कर्ज के ऊपर डिफॉल्ट कर जाएंगे तो कमर्शियल बैंक बजाय इसके कि उसको लेंड करे उन लोगों को उन बिजनेस को वो अपने पास कैश ही होल्ड कर लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि यह पॉलिसी लॉजिकली समझ आती है लेकिन प्रैक्टिकली इसके रिजल्ट्स इसके अपोजिट भी हो सकते हैं एंड इन दैट केस पॉलिसी में नॉट बी सक्सेसफुल थैंक यू